खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर अब आपको नीट से जुड़ी हुई बता देते हैं। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम सुनवाई, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। करीब 24 लाख छात्रों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, गोपनीयता भंग हुई तो दोबारा होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। नीट मामले में 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और अब इस पूरे मामले पर कल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई, जिस पर निगाहें सभी की टिकी हैं, खासतौर पर उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। करीब 24 लाख छात्रों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और अब 11 जुलाई कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले की सुनवाई में 8 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने ये माना था, ये कहा था कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अब कोर्ट के फैसले पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। कल 11 जुलाई को पूरे मामले पर सुनवाई होगी, गोपनीयता भंग हुई तो दोबारा होगी परीक्षा। क्या नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जाएगी जैसा कि मांग की जा रही है नीट अभ्यर्थियों की ओर से? क्या रीटेस्ट होगा नीट का? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये एक बड़ी मांग भी है 24 लाख छात्रों की। और कल सुप्रीम कोर्ट की में होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। दूसरी ओर सीबीआई की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 2 और लोगों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है, गया और नालंदा से सीबीआई की टीम की ओर से। इसमें एक अभ्यर्थी भी है, जबकि एक अभ्यर्थी का पिता है जिसे पकड़ा गया है। संजीव मुखिया कहाँ है ये भी एक बड़ा सवाल है। अलग अलग राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही है सीबीआई की टीम की ओर से। इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला, 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं नीट धांधली को लेकर। अब री एग्जाम क्या होगा नीट का, ये बड़ा सवाल है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई इस पर होनी है। मेरे साथ इस पर हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ गए हैं, दिल्ली से आयुष, साथ ही साथ पटना से रितेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, कल होने वाली सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है? री एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मांग ये प्रमुख है अब आज की तारीख में 24 लाख अभ्यर्थियों की। क्या कल होगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, क्या माना जा रहा है? होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 लाख निगाहें, 24 लाख अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर सीधे टकटकी लगाए देख रही हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि ये नीट यूजी 2024 का जो फैसला आने वाला है वो सीधे तौर पर उनकी जिंदगी पर असर डालेगा। चाहे एग्जाम कैंसिल होता है, चाहे एग्जाम कैंसिल नहीं होता, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो इन बच्चों के जिन्होंने नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिलने वाला है। कोर्ट में जो पिछली बार सुनवाई हुई थी 8 तारीख को, उसमें कुछ बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही थी वो जाननी अहम हो जाती है। सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने मानी थी वो ये कि पेपर लीक हुआ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ली, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन जानना ये जरूरी हो जाता है कि पेपर लीक का जो पैमाना था वो कितना बड़ा था। इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ते जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी थी कि पेपर लीक हुआ, लेकिन क्या पेपर लीक एक शाम पहले सोशल मीडिया पर हुआ था? क्योंकि अगर पेपर सोशल मीडिया पर या टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसी साइट्स पर की आग की तरह फैला, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और अगर इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को कड़ा फैसला लेकर पेपर कैंसिल करने के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी वो ये कि अगर पेपर महज कुछ घंटे पहले कुछ चुनिंदा बच्चों को दिया जाता है और कुछ चुनिंदा एग्जाम सेंटर पर लीक होता है तो ये इतना बड़ा मामला नहीं है, इस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है, जैसे उन बच्चों के एग्जाम कैंसिल कराना, उन सेंटर्स के लाइसेंस कैंसिल कराना और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करना। तीसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में जो हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से, एनटीए से और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। वो रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी। एक सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस पूरे एग्जाम में 0.01% डिस्क्रिपेंसी उन्हें मिलती है तो वो कड़ा फैसला लेंगे। बिल्कुल, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से भी यही कहा गया था। रितेश, ये तो साफ हो चुका है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा नीट पूरे मामले को देखें तो रीटेस्ट और सीबीआई जांच, इस पर भी जो बातचीत है वो सबसे ज्यादा तेज है। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, बिहार से जांच को लेकर क्या अपडेट? रितेश अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। इसी देखिए, सीबीआई की जो जांच है वो काफी तेजी से आगे बढ़ी हुई है और इसी सीक्वेंस में कल 2 लोगों को पटना के कंकड़बाग से अरेस्ट किया गया है।
एक उसमें जो एस्पिरेंट है नीट का परीक्षार्थी वो खुद है और दूसरा जो एस्पिरेंट है उसका पिता है, और इन लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी गंभीर है। और रिमांड पर लेकर सीबीआई इनसे पटना ऑफिस में पूछताछ कर रही है, इसके इनसे जानकारी भी सीबीआई को बहुत सारी मिली है, और उसी के लीड बनाकर अब सीबीआई कई सारे रेड्स कंडक्ट कर रही है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड के कई सारे अलग अलग शहर, गांव और जो जंगल का इलाका है वहां पर लगातार सीबीआई की टीम दबिश बनाए हुए है, रेड कंडक्ट कर रही है, और अगले एक दो दिनों में अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि सीबीआई के ऊपर भी प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट में उसे भी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है कि जांच कहां तक पहुंची है और जांच में क्या कुछ सीबीआई को फाइंडिंग्स मिले हैं। लिहाजा इस बात का ख्याल रखते हुए सीबीआई लगातार रेड कंडक्ट कर रही है और कोशिश उसकी यही है कि जल्द से जल्द संजीव मुखिया और रॉकी को अरेस्ट किया जाए, और यही कारण है कि लगातार झारखंड में सीबीआई की बहुत सारी जो टीम्स हैं वो कैंप कर रही हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार संजीव मुखिया और रॉकी वो झारखंड में हो सकते हैं, या तो झारखंड के किसी गांव में या किसी सुदूर जो ये जंगल का इलाका होता है वहां वो हो सकते हैं। इसको लेकर सीबीआई लगातार अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है और देखिए एक दो दिन जो है इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और कल का दिन भी महत्वपूर्ण है, 11 जुलाई जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से होगी पूरे मामले पर सुनवाई। इससे पहले 8 जुलाई को जो सुनवाई हुई उस पर आदित्य ने हमें जानकारी दी, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ था, और अब 11 जुलाई क्या री एग्जाम होगा, जो परीक्षा हुई थी नीट की क्या उसे रद्द किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 8 जुलाई को आप बता रहे हैं नोटिस जारी किया गया था, जवाब देने के लिए कहा गया था एनटीए को, सरकार को, साथ ही साथ रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई को भी कहा गया था क्या आदित्य? देखिए सब आयुष, माफ कीजिएगा आयुष जी, बिल्कुल ये बात जो कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि एनटीए को, सीबीआई को और सरकार को, तीनों को करनी है आज शाम 5 बजे तक। जब शाम को 5 बजे रजिस्ट्रार के सामने ये तीनों रिपोर्ट्स पेश कर दी जाएंगी, उसके बाद कल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा तो ये तीनों रिपोर्ट्स को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि अगर महज कुछ बच्चों पर या सिर्फ कुछ सेंटर्स पर धांधली हुई है और ये जो धांधली है ये ज्यादा बड़ी नहीं है तो 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, उसको पुनर्विचार करना पड़ेगा एग्जाम कैंसिल करने वाली जो मांग है उसको लेकर। क्योंकि थोड़ी सी धांधली की वजह से या कुछ बच्चों की वजह से, महज दर्जन या दो दर्जन बच्चों की वजह से आप 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते। आज शाम को जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें कुछ अहम बातें जो सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी वो जानने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कही थी कि सबसे पहले यह बताइए कि पेपर लीक कहां हुआ, किस स्तर पर हुआ और किस तरीके से हुआ। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जाननी चाहिए थी वो ये थी कि जब पेपर लीक होता है तो किस पैमाने पर होता है। आयुष आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आज शाम 5 बजे तक सभी को जवाब देना होगा और कल महत्वपूर्ण सुनवाई इस पूरे मामले पर। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी खबर।